हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। तो सबसे पहले हमने पालक को अच्छी तरह से धो के इसको हम बॉईल करेंगे। हमने एक कुकर में जो पालक काट के डाल ली है और इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला हुआ है, इसको हम 3-4 मिनट तक उबाल लेंगे। तो अभी हम जो अपना तड़का तैयार करेंगे, तो सबसे पहले हमने जो घी डाला है, आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं इसमें। तो हमारा तेल गर्म हो गया है, हमने सबसे पहले ज़ीरा डाला है। ज़ीरे का थोड़ा कलर चेंज होते ही हम इसमें जो अपने अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाला है। थोड़ा कलर चेंज होने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, जिनको कि हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। प्याज को ग्राइंड करने के बाद हम इसको डालेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट में, और जो उसका कलर है वो भी जैसे ही चेंज होगा हम उसके बाद अपने जो आगे मसाले हैं वो डालेंगे। पालक पनीर बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। पालक में बहुत सारा आयरन होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अभी हमने इसमें जो प्याज डाल दिए हैं, पेस्ट तैयार किया हुआ है हमने प्याज का, जैसे ही इनका कलर थोड़ा ब्राउन होगा तो हम इसमें मसाले डालेंगे। अच्छे से भून लेना है इसको, अच्छे से आपने इसका जो कलर है उसको चेंज कर लेना है, ब्राउन कलर करेंगे हम इसे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा घर पे, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमारा जो कलर है वो एक एक स्टेप करके चेंज हो रहा है, ये देखिए कलर इसका चेंज हो रहा है। अगर हम चाहें तो इसमें जो प्याज को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ग्राइंड इसलिए किया है ताकि कुछ भी चीज़ ऐसे मुँह में ना आए, और जो हम पालक को जैसे हम पीस के इसमें डालते हैं तो सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बीच में। हमारा जो प्याज का कलर है वो देखिए ब्राउन हो गया है। हमने जो टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली है, टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया था, 2 टमाटर डाले हैं हमने, जिससे इसका टेस्ट है जो वो बहुत ही अच्छा आएगा, और जो थोड़ा सा पालक में कड़वापन होता है वो भी हमें नहीं आएगा। 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। जो हमारा मसाला है वो घी छोड़ने लगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मसाला बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो ड्राई मसाले डालेंगे, हमने टमाटर के बीच में हरी मिर्च है, जो 2 हरी मिर्च हमने ली थी, जिनको कि हमने इसमें ग्राइंड कर लिया था साथ में ही, क्योंकि जो हरी मिर्च है वो किसी को पसंद होती है किसी को नहीं पसंद होती, लेकिन जब उसको ग्राइंड करके डालते हैं बीच में तो उसका जैसे वो किसी के मुँह में आए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे मुँह में मिर्च आई है, और टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी डाली है थोड़ी सी, और गरम मसाला हम डाल रहे हैं इसमें, जो नमक है वो हम लास्ट में डालेंगे। अच्छे से इसको हिलाइए, अच्छे से फ्राई कीजिए ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से घी छोड़ दे। थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाला है ताकि जो हमारे इसमें ड्राई मसाले इसमें डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो घी छोड़ने लगा है, बिल्कुल हमारा मसाला पक के तैयार हो चुका है। ये देखिए
जैसे कि आप देख रहे हैं कि मसाले के ऊपर घी निकल रहा है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मसाले की। तो जब पालक पनीर बन जाएगा, जब उसको खाएंगे तो जो उसमें से टेस्ट आएगा वो तो माशाल्लाह। बहुत बार मैंने ऐसे ये रेसिपी यूज़ करके मैंने पालक पनीर बनाया है तो बहुत ही टेस्टी बना है। जैसे इसने भी खाया है, हर बार मुझे प्रशंसा ही मिली है। कुकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है नई नई डिशेस बनाना। अब हम मसाले में जो पनीर डाल रहे हैं, पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है, हम इसको ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अच्छे से धो के ताकि उसमें से खटास निकल जाए। तो हमने इसमें जो पालक ऐड कर दी है, पालक को हमने अच्छी तरह से उबाल के उसका पानी अलग से निकाल के उसको ग्राइंड कर लिया है, और इन दोनों को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। अच्छे से हिलाएंगे ताकि जो मसाला है हमारा वो अच्छे से मिक्स हो जाए बीच इसके। जैसे ही हमारी पालक है जो वो उबाल खाने लगती है तो इसका मतलब है कि हमारी सब्ज़ी बन रही है, तो पक रही है, वो तैयार हो रही है। थोड़ा सा हमने जो पालक का पानी निकाल के रखा था थोड़ा सा वो ऐड करेंगे ताकि थोड़ा पतला रहे पालक पनीर हमारा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है पतला पतला सा। हमने इसमें नमक नहीं डाला था पहले, तो अब हम इसमें लास्ट में नमक ऐड करेंगे। आप नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद हो। हमने इसमें जो धनिया पाउडर होता है हमने वो इसमें लास्ट में डाला है ताकि खुशबू की खुशबू बनी रहे, टेस्ट भी बेटर आए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारी पालक अच्छे से सिक जाए। ये हमने जो नमक डाला है इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको जैसा भी पसंद हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा। नमक जितना कम खाया जाए उतना हमारे लिए बेटर होता है, ज़्यादा नमक हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो मैं कभी भी खाने में नमक ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बिल्कुल लाइट, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल लाइट खाती हूँ। तो ये देखिए जो हमारी पालक पनीर की रेसिपी है वो हो गई है बिल्कुल तैयार। देखिए अच्छे से पक गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो गाइस देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल हमारी रेसिपी तैयार है, उस पर हमने ऊपर से देसी घी डाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।